नमस्कार, आप देख रहे हैं एमके न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ आयशा सिंह। खबर सुपौल से। गणतंत्र दिवस के मौके पर सुपौल जिला में विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों पर सरसमय झंडोत्तोलन किया गया। वहीं इस दौरान छातकपुर प्रखंड कार्यालय परिसर एवं मंडेगा कार्यालय परिसर में प्रखंड प्रमुख आसिया देवी ने झंडोत्तोलन कर सलामी दिया, जिसके बाद चिन्हित सरकारी गैर सरकारी संस्थानों एवं दफ्तरों में तिरंगा फहराया गया। साक्षरता कार्यालय में बीडीओ रितेश कुमार सिंह एवं सीओ उपेंद्र कुमार ने राजस्व कचहरी में तिरंगा फहराया। वहीं छातापुर थाना में थाना अध्यक्ष राम इकबाल पासवान, पीएससी में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर शंकर कुमार, बीआरसी में बीईओ नंदकिशोर सिंह, प्रेस क्लब में अध्यक्ष राजकुमार झा राजू एवं छातापुर पंचायत भवन में मुखिया बीवी साजदा खातून तथा महादलित बस्ती वार्ड नंबर 14 में परमेश्वर राम, वार्ड नंबर 17 स्थित महादलित बस्ती में लक्ष्मण राम, शांति नर्सिंग होम में डॉक्टर क्रांति गांधी, इंजीनियर संदीप मेमोरियल हॉस्पिटल में जगदीश यादव, रामपुर पंचायत भवन में मुखिया कुलसुम, पनोरमा पब्लिक स्कूल में पनोरमा के सीएमडी संजीव मिश्रा, 10+2 उच्च माध्यमिक विद्यालय भीमपुर में विपिन कुमार ने तिरंगा फहराकर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी।